गोमुखासन डायबिटीज के लिए रामबाण है। गोमुखासन स्वच्छ वातावरण में आसन बिछा सुखपूर्वक बैठ जाएं। जमीन पर बैठ दोनों टांगों को सामने की तरफ ले जाएं। बाईं टांग को घुटने से मोड़, बाईं एड़ी को दाहिने नितंब के पास टिका दें और दाईं टांग को घुटने से मोड़ते हुए दाहिनी एड़ी को बाईं नितंब के पास ले जाएं। घुटने को घुटने पर लाने की कोशिश करें। बाएं हाथ को पीठ के पीछे इस तरह से लाएं कि हथेली बाहर की ओर रहे। श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को सामने की तरफ से पीठ के पीछे ला दोनों हाथों को आपस में पकड़ लें। श्वास सामान्य रूप से चलने दें। कुछ देर यथाशक्ति रुकने के बाद श्वास भरें व श्वास छोड़ते हुए दाहिने हाथ को सामने की तरफ से धीरे धीरे नीचे ले आएं। अब इसी क्रम को पांव बदलकर दोहराएं। दाएं घुटने को मोड़, बाएं घुटने के ऊपर रखें। दाहिने हाथ को पीठ के पीछे रखने के बाद बाएं हाथ को ऊपर से पीछे की ओर ले जाकर दाएं हाथ को पकड़ लें। कमर सीधी रखें। श्वास सामान्य रूप से लेते रहें। कुछ देर रुकने के बाद श्वास भरें व श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ को पूर्व स्थिति में वापस ले आएं। शुरू शुरू में अगर हाथ आपस में नहीं मिल पाते तो घबराएं नहीं, धैर्य से काम लें, प्रयास जारी रखें, परंतु जोर जबरदस्ती कभी ना करें। निरंतर अभ्यास से सफलता अवश्य मिलेगी। टांगों को सामने की ओर सीधा कर लें व आसन के अंत में सुखपूर्वक बैठ प्रभु का धन्यवाद करें।